sorry, SP. DJ. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह है कि लॉकडाउन खुल चुका है मलेशिया में और जो बारबर शॉप है यानी सलून है वो भी खुल गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हुई है। आज हमने सोचा कि हम आज बारबर शॉप पे जाते हैं। जो बारबर शॉप है वो तकरीबन 3.5 मंथ बाद ओपन हो रहे हैं, क्योंकि पहले लोग सब वो घर वगैरह में इस्तेमाल करते थे, रेजर वगैरह। इधर हमें अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा तो उसके साथ हम शुगर लगाएंगे पंजाबी में या सराइकी में, उससे पूछेंगे कि जो बारबर की शॉप है वो किधर है। तो इधर हम ढूंढते हैं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है कि नहीं, अगर नज़र आता है तो उसके साथ हम शुगर लगाएंगे। मलेशिया में ऑलमोस्ट जो लॉकडाउन है वो ख़त्म कर दिया गया है। वैसे जो मलेशियन PM है उसने बोला है कि 31 अगस्त तक आपने SOPs पर अमल करना है, क्योंकि ये एहतियाती तौर पर उन्होंने किया है। वैसे जो लॉकडाउन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ वो अपनी रूटीन में आ गई है, बस वगैरह हॉस्पिटल सारा कुछ उन्होंने ओपन कर दिया है। टोकी बैठा हुआ है वो देखें, और हमने अपना मुस्बत पैगाम आगे रखा हुआ है, देखते हैं मुकाबला कैसा चलता है। अभी तक वो नहीं भौंका और उम्मीद है कि पंजाबी नहीं आता, तुस आपको पंजाबी नहीं आता, लिखा होगा वो है उसे लग जाएगा, पक्की गल है। मुझे सिलोन का पता था, मैंने जानबूझ के अंकल के साथ थोड़ा शुगर किया है। उसको ये बोला कि मुझे मलाई नहीं आती और ना इंग्लिश आती है और ना मुझे उर्दू आती है, मुझे सिर्फ पंजाबी आती है, तो आपको पंजाबी आती है। तो वो अंकल बोल रहा था नहीं मुझे नहीं पंजाबी आती, तो उसको मैं बोला इतों कितने जाना है तो सबको मालूम है, तो वो कह रहा था क्या कह रहे हो, तो मैं बोला आपको पंजाबी नहीं आता, कहते नहीं, तो वो मुझे पूछ रहा था आपको हिंदी आता है मतलब उर्दू, मैं बोला नहीं मुझे वो भी नहीं आता। तो जानबूझ के उसको तंग कर रहे थे शुगल के तौर पे, वैसे तंग करने वाली बात नहीं है, थोड़ा शुगल किया। तो अभी उसने मुझे बताया कि आपने उधर से ऐसे जाना है फिर उधर जाना है, तो मैंने उसको बोला एक तो सीधा जाना है, कहता है हाँ इधर से सीधा जाना है। तो मैंने पूछे, अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिलोन के नज़दीक और आज हम आपको अपने बारबर से भी मिलवाते हैं कि वो किधर से है और कौन है। बहुत अच्छा इंसान है, हम लोग उसी से ज़्यादातर कटिंग वगैरह करवाते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से हम नहीं आए पाए इसके पास, तो आज जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हम लोग इसके पास आए हैं। बड़ा अच्छा आदमी है। और ये आ गई दुकान बारबर की। जी हम लोग पहुँच गए हैं बारबर शॉप में और अभी देखते हैं कि किधर है हमारा भाई। इनमें से कौन सा स्टाइल मुझे अच्छा लगेगा? अभी जो हमारा दोस्त है वो खाना खा रहा है और कह रहा है कि आप 2 मिनट सब्र करो मैं आता हूँ, इसलिए हम 2 मिनट उधर बैठेंगे, तब तक आप मुझे बताएं कि स्टाइल कौन सा चलेगा। जाएगा
हैं जी, हम लोग तो रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग तो रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे घर। ये मेरा दोस्त है रहमत, ये इंडिया से है और ये बड़ा अच्छा बार्बर है। अगर आप कटिंग करवाना चाहें तो आप लाजमी तौर पर इनके पास आए। इनका जो सैलून है, आपका सैलून किधर है? जगह तमन गया, तमन गया दुआम पर, तमन गया दुआम पर। और जब भी आप आए इनके पास आए, ये बड़े अच्छे बार्बर हैं और बड़ा अच्छा ये काम करते हैं। तो ठीक है रहमत भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़।